हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के बारे में, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन से होते हैं, किस तरह का ज्वाइंट है ये, और इसके अंदर जो है लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने चार लिगामेंट जो थे वो पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो है रिलेशंस ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हुए मैंने इसको छह पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं कुछ रिलेशन होंगे लेटरल रिलेशन, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है हमारा, हाथ लगा के देखना अपनी गाल के ऊपर जहां पे ये टीएमजे होता है वहां पे हाथ लगाओगे तो उसके लेटरली, मतलब अंदर की तरफ जो टीएमजे है टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, उसके लेटरली कुछ चीज प्रेजेंट है, उसके मीडियली कुछ चीज प्रेजेंट है, उसके आगे की तरफ कुछ चीज प्रेजेंट है, कुछ चीजें उसके पीछे प्रेजेंट है, कुछ उसके ऊपर है और कुछ उसके नीचे है। तो टोटल छह चीज हम पढ़ेंगे, लेटरल मीडियल, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इन्फीरियर। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेटरल के बारे में आपको बता देता हूं। तो हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है उसके लेटरली वही चीज आएगी जो आप बाहर से हाथ लगाओगे। तो जब आप अपनी गाल पे हाथ लगाओगे, हम अपनी चीक्स पे हाथ लगाओगे तो सबसे बाहर की तरफ स्किन आएगा, उसके बाद अंदर जाएंगे तो फेशिया आएगा। उसके बाद मैंने जब पैरोटिड ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने बताया था वो पैरोटिड ग्लैंड यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही स्किन के अंदर की तरफ जाएंगे तो पैरोटिड ग्लैंड आ जाएगा, और पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व, और बाकी ब्रांचेज भी निकलती है, लेकिन जो टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट के लेटरली जो चीज आती है वो है सिर्फ टेम्पोरल ब्रांचेज। तो टोटल हमारे पास तीन चीजें आएंगी। बाहर से अंदर की तरफ चले, सबसे बाहर स्किन होगी लेटरल रिलेशन में, सबसे बाहर स्किन और फेशिया, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड और उसके बाद टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व। तो ये हो गया लेटरल रिलेशन। अब मीडियली चलें, मतलब लेटरल की बात होगी तो मीडियल की बात करते हैं। तो मीडियल में सबसे पहले तो एक चीज है, चाहे मीडियल हो एंटीरियर पोस्टीरियर, अब जो बाकी सारे हैं उसमें मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि कुछ आर्टरीज आएंगी और कुछ नर्व्स आएंगी। आर्टरीज और नर्व्स पक्का आएंगी सब में। तो सबसे पहले बात करें मीडियल रिलेशन, मीडियल रिलेशन में आ रही है दो आर्टरीज। तो मीडियल रिलेशन में याद करना है हमको सीएम से, ठीक है। सीएम से क्या याद रखेंगे कि सी से हमारे पास कौन सी आर्टरी बन गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एम से हमारे पास बन गई यहां पे मिडल मेनिंजल आर्टरी, और मीडियल वर्ड भी इससे बनता है। तो मीडियल में हमारे पास दो आर्टरीज आती हैं, कौन कौन सी, एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक होती है मिडल मेनिंजल आर्टरी। देखो हमको रिलेट करके याद करना पड़ेगा वरना ये बहुत मुश्किल होते हैं इसके रिलेशन याद करना, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मीडियल में दो आर्टरी है, एक सी से और एक एम से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक मिडल मेनिंजल आर्टरी। अब सबसे पहले सबकी आर्टरीज की बात कर लेते हैं। एंटीरियर में चले तो एंटीरियर में एक आर्टरी है, कौन सी, मेसेंट्रिक आर्टरी। एंटीरियर में सिर्फ एक आर्टरी, कौन सी, मेसेंट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर में चले तो पोस्टीरियर में कौन सी आर्टरी आएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो पोस्टीरियर में कौन सी आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल। वेसल्स का मतलब है कि आर्टरी और वेन दोनों आएंगी, हम पहले आर्टरी की बात कर रहे हैं। तो पोस्टीरियर में हमारे पास आ गया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, एंटीरियर में हमारे पास आ गया मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर में चले तो सुपीरियर में हमारे पास आता है कौन सा, मिडल मेनिंजल। सुपीरियर में फिर से वही आ गया, मिडल मेनिंजल आर्टरी मीडियल रिलेशन में भी आता है, और मिडल मेनिंजल आर्टरी और वेन दोनों आती है सुपीरियर रिलेशन में भी, तो मिडल मेनिंजल इधर भी आ गया। इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर में हमारे पास आता है मैक्सिलरी आर्टरी। इन्फीरियर में कौन सी आर्टरी आती है, मैक्सिलरी आर्टरी। तो सभी आर्टरीज हमने पढ़ ली। मीडियल में कौन सी आर्टरी है, दो है, मीडियल में याद रखो दो है, बाकी सब में एक एक आर्टरी है। मीडियल में कौन सी दो आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडल मेनिंजल आर्टरी। मीडियल में दो है, इंटरनल कैरोटिड और मिडल मेनिंजल। एंटीरियर में एक आर्टरी है, आगे की तरफ है मेसेंट्रिक आर्टरी, पीछे की तरफ है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ऊपर की तरफ दो, सॉरी मीडियल की तरफ दो, आगे की तरफ एक, पीछे की तरफ एक। मीडियल साइड में दो कौन कौन सी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडल मेनिंजल आर्टरी। आगे की तरफ कौन सी है, मेसेंट्रिक आर्टरी, पीछे की तरफ है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब ऊपर और नीचे बच गया, ऊपर आता है मिडल मेनिंजल, ठीक है, और नीचे आता है मैक्सिलरी आर्टरी। नीचे कौन सी आती है, मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद अगर बात करें नर्व की, अब हमने बात कर ली कि ये आर्टरीज आ रही है, अब नर्व की बात करते हैं। मीडियल रिलेशन में आती हैं दो नर्व्स, दो आर्टरीज थी और दो ही नर्व आएंगी, कौन कौन सी, एक ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व और एक कोर्डा टिम्पैनी नर्व। ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड कोर्डा टिम्पैनी नर्व आ गई मीडियल रिलेशन में।
कैसे याद करेंगे, एसी, ठीक है। ऐसे याद रखो, मीडियल रिलेशन में सीएम से तो आर्टरीज हैं दो और एसी से दो नर्व्स हैं, ऐसे याद रखो। सीएम से दो आर्टरी हैं, एसी वर्ड से दो नर्व्स हैं, तो ये मीडियल रिलेशन याद कर लोगे तो बाकी इजी है, क्योंकि मीडियल में सबसे ज्यादा चीजें आती हैं। उसके अलावा एंटीरियर में कौन सी नर्व आएगी, जो आर्टरी थी वही नर्व है, मैसेट्रिक आर्टरी आई थी, मैसेट्रिक ही नर्व है, इजी हो गया ना। उसके बाद पोस्टीरियर में चले तो वहां पे फिर से ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, पोस्टीरियर में क्या है, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सुपीरियर में चले तो कोई नर्व नहीं है, सुपीरियर में याद रखना कोई भी नर्व नहीं आएगी। इन्फीरियर में चले तो इन्फीरियर में भी कोई भी नर्व नहीं आएगी, ठीक है। तो दो तो कट गए। देखो रिलेशन लिखते वक्त सबसे पहले लेटरल रिलेशन अलग से ही याद रखना है, तीन चीजें आएंगी ये याद होनी चाहिए। उसके बाद हमें कुछ चीजें होंगी जो याद भी हो जाएंगी, वैसे तो धीरे धीरे आपको ये, लेकिन एक बार याद करने के लिए थोड़ा सा आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। जैसे मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, अलग अलग आर्टरीज मैंने याद कर ली, भाई मीडियल साइड में दो आर्टरी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, आगे की तरफ एक आर्टरी है मैसेट्रिक आर्टरी, पीछे की तरफ एक आर्टरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऊपर की तरफ एक आर्टरी थी कौन सी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और नीचे की तरफ एक आर्टरी थी मैक्सिलरी आर्टरी। तो इस तरह से इसको याद करो। उसके बाद नर्व पे चले तो मीडियल में दो नर्व आ गई, ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व और कोडा टिम्पैनी नर्व। एंटीरियर में आए तो सिर्फ एक नर्व, कौन सी, मैसेट्रिक नर्व। पोस्टीरियर में एक नर्व, ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व। उसके अलावा सुपीरियर इन्फीरियर में कोई नर्व नहीं है, तो नर्व सिर्फ तीन में होगी, मीडियल रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन में और पोस्टीरियर रिलेशन में, मीडियल साइड में, आगे की साइड और पीछे की साइड, टीएमजेके, ठीक है। उसके अलावा अब किसी किसी में वेन्स भी आ रहे हैं, जैसे इन्फीरियर में मैक्सिलरी वेन भी आ रहा है, तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। बस एक चीज याद रखनी है, सुपीरियर टीएमजे के ऊपर की तरफ जो हमारा क्रेनियम होता है उसका कौन सा फोसा आएगा, टीएमजे के ऊपर आता है मिडल क्रेनियल फोसा, बस याद रखो सुपीरियर रिलेशन ऑफ टीएमजे में मिडल क्रेनियल फोसा भी आएगा। अब एक चीज यहां से आपको याद हो जाएगी कि सुपीरियर में, सुपीरियर रिलेशन में आता है मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा ही है और आर्टरी सॉरी वेसल्स जो है वो भी मिडल ही है, मिडल मेनिंजियल वेसल्स। तो सुपीरियर में याद रखो कि मिडल वर्ड आएगा ही आएगा, सुपीरियर में मिडल वर्ड आएगा ही आएगा, इन्फीरियर में मैक्सिलरी वर्ड आएगा ही आएगा, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी वेन, तो कुछ इस तरह से याद रखो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब इस तरह से याद रखो कि अगर आपको याद ना रहे इन्फीरियर में कौन सी आर्टरी थी, कौन सी वेन थी, क्या था, तो इन्फीरियर में इस तरह से याद रखो मैक्सिलरी आर्टरी, एम ए एक्स आई, इस तरह से बन रहा है ना, और किसी भी आर्टरी में इस तरह से आई वर्ड नहीं आने वाला, ठीक है। आई वर्ड तो आएगा लेकिन इन्फीरियर में याद रखो कि आई वर्ड वाला कौन सा मिलेगा, मैक्सिलरी आर्टरी। अब मिडल मेनिंजियल को यहां नहीं घुसा सकते आप, मैक्सिलरी ही आपको इधर लिखना है, इन्फीरियर रिलेशन में मैक्सिलरी ही आएगा। उसके अलावा सुपीरियर में मैंने बता दिया कि मिडल क्रेनियल फोसा होगा और मिडल वर्ड है तो मिडल मेनिंजियल वेसल्स होगा। इन्फीरियर में क्या याद रखोगे, मैक्सिलरी वर्ड, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी वेन। ये मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, वो तरीका अलग था, आर्टरी अलग से याद कर ली, वेन अलग से याद कर ली, नर्व अलग से याद कर ली, अब अलग तरीका है। एंटीरियर में याद रखो एंटीरियर में वर्ड आएगा मैसेट्रिक, बस एक आर्टरी है दूसरी नर्व, वेन नहीं आएगी, नर्व आएगी, मैसेट्रिक आर्टरी और मैसेट्रिक वेन। तो एंटीरियर में हमें वर्ड याद रखना है मैसेट्रिक, मैं इसको मार्क कर देता हूं। एंटीरियर में मेन वर्ड है कौन सा, मैसेट्रिक वर्ड, ठीक है। उसके अलावा इन्फीरियर में जो मेन वर्ड था वो था मैक्सिलरी वर्ड, ठीक है। सुपीरियर में मेन वर्ड था हमारे पास मिडल, मिडल वर्ड था, मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल मेनिंजियल वेसल्स, तो इजी हो गया इस तरह से। पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर में आ गया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, ठीक है, ये तो आप पीछे की तरफ से जाती हैं, अगर आप देखोगे ना सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वगैरह जो निकलती है, इंटरनल कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड की जो ब्रांचेज है ना वो सब देखोगे तो उसमें सुपरफिशियल टेम्पोरल पीछे से ही जाती हुई दिखेगी। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आ गया पोस्टीरियर रिलेशन में, एक आ गया ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, तो इसमें भी मैं एक चीज आपको घुसा दूं याद करने के लिए, तो पोस्टीरियर में टेम्पोरल वर्ड याद रख लो भाई, और तो क्या ही है, टेम्पोरल वर्ड याद रखो, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो हर एक का एक एक फिक्स वर्ड बन गया, एंटीरियर का फिक्स वर्ड है मैसेट्रिक, पोस्टीरियर का फिक्स वर्ड है टेम्पोरल, सुपीरियर का फिक्स वर्ड है मिडल, इन्फीरियर का फिक्स वर्ड है मैक्सिलरी, तो एक एक वर्ड भी याद हो गया ना तो भी आप लिख सकोगे, ठीक है, इजिली। उसके अलावा मीडियल को तो अलग से ही याद रख लो, कैसे मैंने बताया था वैसे तो, इसका भी सीएम एसी,
ये तो हो गया सीएम से आर्टरी होगी थी दो, एसी से दो नर्व होगी थी। उसके अलावा याद रखना है स्पाइन ऑफ द स्फीनोइड, स्पाइन ऑफ द स्फीनोइड, ये मीडियल रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में एक और चीज आती है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस, और एंटीरियर रिलेशन में एक और मसल आती है लेटरल टेरिवॉइड मसल। तो ये चीज याद रहे तो ठीक है, नहीं कि तो जो मैंने मेन चीजें बताई हैं वो तो आपको पक्का याद होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मीडियल रिलेशन सी एम से दो आर्टरी बनेंगी, सी से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ए सी से दो नर्व बनेगी, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कोडा टिम्पैनी नर्व, और एक हो गया स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। ये हो गया मीडियल रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन में मेन वर्ड है मैसेटरिक, मैसेटरिक आर्टरी, मैसेटरिक नर्व, उसके अलावा आ गया लेटरल टेरिगॉइड। पोस्टीरियर में आ गया हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स और ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, तो टेम्पोरल मेन वर्ड हो गया। सुपीरियर में हमारे पास मेन वर्ड है मिडल, मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल मेनिंजियल वेसल्स, और इन्फीरियर रिलेशन में मेन वर्ड है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी वेन। एक बात याद रखो कि मैक्सिलरी जो आर्टरी है ना वो नीचे की तरफ ही जाती है, हमारा जो मैंडिबल का नीचे वाला पार्ट है वही उसी तरफ जाती है, तो इन्फीरियर रिलेशन में यही आएगी, मैक्सिलरी वर्ड ही आने वाला है। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ द टीएमजे, लेटरल रिलेशन अलग से याद करना पड़ेगा जो कि बहुत ईजी है। तो रिलेशंस यहाँ की हमने यहाँ पे बात कर ली, अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है हमारा ब्लड सप्लाई, नहीं पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकुलर डिस्क, ये टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया था, फोर्थ टॉपिक है आर्टिकुलर डिस्क, उसके बाद रिलेशन आने थे, मैंने पहले रिलेशन कराया है। आर्टिकुलर डिस्क की बात करें तो आर्टिकुलर डिस्क क्या है, ये जो आपको दिख रही है ना ये आर्टिकुलर डिस्क है, ये तो सेजाइटल सेक्शन में है। रियल में जो आर्टिकुलर डिस्क है उसकी शेप होती है ओवल, ठीक है, और प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस होती है, मेनली हमने पढ़ा ना फाइब्रोकार्टिलेजिनस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मेनली फाइब्रस प्लेट है, ये ओवल शेप है, फाइब्रस प्लेट है। ये मैं बता चुका हूं कि जॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अभी अपर लोअर में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो अपर पार्ट है ना वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होंगी, मतलब कोई रोटेशन नहीं होगी, सिर्फ ग्लाइडिंग होगी। तो अपर पार्ट में सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, जबकि लोअर पार्ट में रोटेटरी मूवमेंट भी होती है और ग्लाइडिंग मूवमेंट दोनों होती है। तो लोअर पार्ट ज्यादा डेवलप्ड हम कह सकते हैं, लोअर पार्ट में रोटेशन और ग्लाइडिंग मूवमेंट दोनों होंगी। अब जो डिस्क की शेप की बात करें, ऊपर से देखोगे तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से है, पहले कॉनकेव है फिर कॉन्वेक्स है। तो ऊपर से शेप देखते हैं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, नीचे से देखोगे तो ओनली एंड ओनली हमारे पास कॉनकेव है। तो सुपीरियर जो सरफेस अगर आप देखो इस डिस्क का, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसको, ये जो डिस्क है इसका जो सुपीरियर सरफेस है ऊपर वाला वो कैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नीचे वाला सरफेस कैसा है, ओनली एंड ओनली कॉनकेव। तो ऊपर वाला सरफेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स और इन्फीरियर सरफेस कॉनकेव होता है। तो एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया सुपीरियर सरफेस और कॉनकेव हो गया हमारे पास इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो पेरिफ्री है डिस्क की, जो हमारी आर्टिकुलर डिस्क है, इसकी पेरिफ्री फाइब्रस कैप्सूल से जुड़ी होती है, जो हमने पहला लिगामेंट पढ़ा था ना उससे जुड़ी होती है हमारी पेरिफ्री ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क। अब बात करते हैं डिस्क के अलग अलग पार्ट्स की। डिस्क के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो सबसे आगे वाला पार्ट दिख रहा है ना ये डार्क ब्लू कलर से पहले वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर एक्सटेंशन। तो ये है एंटीरियर एक्सटेंशन, फिर जो डार्क ब्लू है ये है एंटीरियर बैंड, उसके बाद नेक्स्ट डार्क ब्लू से पहले लाइट ब्लू कलर में जो है ये है हमारा इंटरमीडिएट जोन, उसके बाद जो डार्क ब्लू है वो है पोस्टीरियर बैंड। तो दो डार्क बैंड्स हैं, एक एंटीरियर बैंड एक पोस्टीरियर बैंड, दोनों बैंड्स के बीच में इंटरमीडिएट जोन, और एंटीरियर बैंड के आगे की तरफ क्या है, एंटीरियर एक्सटेंशन। जबकि पोस्टीरियर बैंड के पीछे की तरफ बात करें तो पोस्टीरियर बैंड के पीछे की तरफ हमारे पास एक बायलैमिनर रीजन आता है। क्या है, बायलैमिनर रीजन। बायलैमिनर रीजन क्यों है, आपको दिख रहा है स्प्लिट कर रहा है, ये पीछे वाला रीजन ऐसे स्प्लिट कर जाता है दो हिस्सों में, तो इस वजह से इसको बायलैमिनर रीजन बोलते हैं। तो टोटल पांच पार्ट्स में मैंने बांटा, एंटीरियर एक्सटेंशन, एंटीरियर बैंड, इंटरमीडिएट जोन, पोस्टीरियर एक्सटेंशन एंड द बायलैमिनर रीजन। तो एंटीरियर एक्सटेंशन, एंटीरियर थिक बैंड, इंटरमीडिएट जोन, पोस्टीरियर थिक बैंड एंड बायलैमिनर रीजन, जिसके अंदर वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट है। ये देखो छोटा छोटा ब्लू कलर में ये वेनस प्लेक्सस है दोनों के बीच में। तो ये हो गया हमारा डिस्क की कंपोजिशन, डिस्क में कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब डिस्क का काम क्या होता है, डिस्क का काम ये है कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, मतलब टेम्पोरल बोन और मैंडिबल का जो पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा है टीएमजे में, उसके अंदर फ्रिक्शन को रोकना, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम है। ये कुशन के रूप में वर्क करता है और शोक एब्जॉर्प्शन भी करता है। उसके अलावा जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको फिलअप करता है, बीच में जो स्पेस है ना जॉइंट कैविटी में, ये जो स्पेस था बीच में इसको फिलअप करने का काम करता है, तो स्टेबिलाईजेशन भी करता है ये। उसके अलावा
जो ये डिस्क है इसके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स भी होते हैं। देखो सेंसेशन भी लेके जा रहा है, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स भी हैं जो हमारी मूवमेंट ऑफ द टीएमजे जो तुम्हारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसकी मूवमेंट को भी रेगुलेट करती है ये डिस्क, ठीक है। उसके अलावा ये डिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वेट जो है टीएमजे का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ा के, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ा के जो वेट जो है वो एक जगह होने की बजाय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे टीएमजे में। वो किस वजह से होता है? इसी आर्टिकुलर डिस्क की वजह से। तो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स का काम भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, उसके अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, उसके अलावा स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करना। उससे पहले हमने पढ़े थे पांच इसके पार्ट्स पढ़े थे, उसके अलावा इसके सुपीरियर इन्फीरियर सर्फेस की शेप कैसी है और ये किस तरह से डिवाइड करता है हमारे जॉइंट कैविटी को। तो आर्टिकुलर डिस्क जो है टीएमजे का वो एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर टीएमजे आता है तो उसमें ये लिख के आना है आर्टिकुलर डिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बात कर ली हमारे आर्टिकुलर डिस्क की। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई वगैरह की, तो सब ब्लड सप्लाई की बात करें टीएमजे को, तो टीएमजे को ब्लड सप्लाई देती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी, और वेन्स भी क्या होंगी? सेम होंगी, जिस तरह आर्टरीज हैं उसी तरह वेन होंगी, मतलब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन। तो ब्लड सप्लाई दो है, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरीज। मैंने बोला ना मैक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ जाती है मैंडिबल में, तो नीचे इन्फीरियर रिलेशन में भी आई थी टीएमजे के वो, तो वो मैंडिबल वाले एरिया में सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल टेम्पोरल वाले एरिया में सप्लाई करेगी, दो ही तो बोन है जो बनाती है टीएमजे। नर्व सप्लाई की बात करें तो उसमें आता है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व और मैसेट्रिक नर्व, याद रखना ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व और मैसेट्रिक नर्व ये मेन नर्व है जो टीएमजे को सप्लाई करती हैं। उसके अलावा बात करें अगर मूवमेंट्स की, तो मूवमेंट की हम बात अगली वीडियो में ही करते हैं, ठीक है। मूवमेंट अगली वीडियो में मैं ढंग से बताता हूँ। तो इस वीडियो में हमने बात की हमारे आर्टिकुलर डिस्क की, उसके अलावा रिलेशंस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।